जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 16वीं किस्त को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके खाते में 16वीं किस्त की राशि ट्रांसफर करेगा, तो दोस्तों अब आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना 16वीं किस्त की राशि आज 28 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से डीबीटी के माध्यम से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि 16वीं किस्त की राशि उन्हीं किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे जिन्होंने यहां पर अपना खुद का ईकेवाईसी कंप्लीट करवा लिया है। साथ ही डीबीटी इनेबल है, आधार आपका बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और आपने लैंड सीडिंग यानी कि जमीन के दस्तावेज आपने अपलोड कर दिए हैं, तो दोस्तों आपके खाते में 16वीं किस्त की राशि आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि किस्तों के तौर पर 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 16वीं किस्त की राशि बढ़ाकर दिए जा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर कई राज्यों में घोषणा भी हो चुकी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना कर दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त की राशि कैसे चेक करेंगे। सिंपली दोस्तों, जब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आएगी, या तो आपको बैंक की तरफ से SMS आ जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में 16वीं किस्त की राशि जो भी अमाउंट होगी वो यहां पर क्रेडिट हो चुकी है। अगर आपको बैंक की तरफ से SMS नहीं आता है तो आप बैंक में जाकर के भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक करना चाहते हैं कि आपको 16वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है, तो सिंपली आपको गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर में pfms.nic.in पर आ जाना है। यहाँ पर आपको आने के बाद इस तरीके से खुल करके आ जाता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे ट्रैक DBT डिटेल देखने को मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पीएम किसान देखने को मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे DBT स्टेटस में आपको पेमेंट पर ही सिलेक्ट रहने देना है, या तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड डाल सकते हैं या फिर जो भी आपका पीएम किसान का एप्लीकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो आप यहाँ पर एप्लीकेशन ID में लिखेंगे। उसके बाद इस वाले कैप्चा को आपको इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, देन आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पूरी डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाती है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि इस किसान को यहाँ पर जो पहली किस्त की राशि मिलने वाली है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 1 देखने को मिल रहा है। अगर आपको 16वीं किस्त की राशि मिलनी होगी तो यहाँ पर आपको 16 इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है क्रेडिट स्टेटस। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनका भी यहाँ पर बता रहा है कि पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, यानी कि इनके बैंक अकाउंट में अभी तक यहाँ पर जो राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक देखने को नहीं मिल रहा है, तो समझिए आपके बैंक अकाउंट में 16वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। दोस्तों, अगर आपको पीएम किसान की 16वीं किस्त आ चुकी है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।